વેલકમ ટુ ઓડિયો એક્ઝામ પબ્લિકેશન ઓડિયો એક્ઝામ પબ્લિકેશન આપણમાનું સ્વાગત ભિડીયો શેષ પર્યંત દેખતું જદી ભિડીયો પસંદ આસો ભિડીયો લાઇક કમેન્ટ કરવા સહિત ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરે ઓ સાંગમાન સહિત શેર કરી રખી એ સહિત હું તમને કહી રખુચી જો મને બી એપર્યંત ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ના ઓડિયા એક્ઝામ પબ્લિકેશન કો ઓડિયા એક્ઝામ પબ્લિકેશન કો સમસ્તે સબસ્ક્રાઇબ કરી રખ એ સહિત કહી રખુચી જતે બી આગુ એક્ઝામ આસુચી જેમિતી કે તુમરા એક્ઝામ હોઉચી તુમરા ઓએફડીસી હોઉ ઓડબ્લ્યુએસસી હોઉ કિંબા ઓટ્રિપલ્એસસી હોઉ किंबा ओएमसी ए समस्त एग्जाम पे तुम्हारा प्रिपरेशन वीडियो तुम्हें ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन मध्यम पाइपर यह सहित तुमको फ्री रे प्रैक्टिस सेट मिल जाव मॉक टेस्ट मिल सहित ऑनलाइन क्लास मिल जोटा कि तुम एग्जाम ओरिएंटेड आ जो मैंने ओडिशा पुलिस एसआई प्रिपेरेसन करूल मोरी चैनल मध्यम जो मैंने केते दूर हेल्पफुल होती मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिक जनइब यह सहित तुमको कही रखुच्छी केते क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट रिपीट होती ओडिशा पुलिस एस आई प्राक्ट सेट्रु और मोर भिडियो जो क्लास देखी तातर तुम्हें मत कमेंट सेक्शन लिखे जन थंबनेल देखिक समस्त जा सारी ये भिडियो मध्यम आम आलोचना करवा ओडिशा पुलिस एस आई 2021 एक्सपेक्टेड कट कौन लिखिली मुझे एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कट बुझा एक्सपेक्टेड कटअप जो मुझे तुमको तुमने भावनी जे मुझे कहूँ कटअप से भगवान नुह फास्ट मुझे भगवान नुह जेहेतु मुझ भगवान नुह तुमको मुझे डायरेक्ट कटअप कहीपरि जो मैंने ओपीआरबी भी एक्जाम करपीआरबी ओपीआरबी तरफ एक्जाम करपीआरबी चेयरमैन को जब कह डीजी जी कह कटअप के सी भी कहीपरें कहीं पिला डिपेड कर पिला कौली एक्जाम कर पिला के बसी से हिसाब से आम कटअप नहीं था तथा मुझे तुमको एक्सपेक्टेड कटअप एक्सपेक्टेड कटअप तुमको मुझे कही रखी जो कटअप देखा मिल तार तुम मार्क जब थी बुझीगला तेणुक फास्ट आरंभ कही रखुच्छी पिलाने बहुत कमेंट में लिखती सर आप कटअप कटअप कहीं दिमार अधिक गला दिमार कटअप गला शुणु मूलर कही रखुच्छी एक्सपेक्टेड कटअप मूलर कही रखुच्छी एक्सपेक्टेड कटअप कहमी तुमको डायरेक्ट कटअप एक्सपेक्टेड कटअप कही रखुच्छी तेणुक आरि भितर तुमको कटअप जी फास्ट आम ओवरअल देखा सेक्शन सेक्शन कोई फास्ट तुम एमआईएल देख ओपीआरबी गोटे नेगेटिव पॉइंट कौन रही तुमको जिके कही 100 मार्क जिके पकई के जान देख मु फास्ट कहे आम जा इंग्लीश आड़िया इंग्लीश आड़िया इंग्लीश रही है तुम 50 मार्क ओडिया रही है 50 मार्क इंग्लीश ग्रामर में देखा मिलता है तुमको 40 मार्क पैसेज देखा मिलता 10 मार्क ओडिया ग्रामर में देखा मिलता 40 मार्क पैसेज देखा मिलता 10 मार्क देख ओवरअल जब देखा आम ग्रामर टी इजी था कि पैसेज टी तुम बहुत डिफिकल्ट था इंग्लीश ग्रामर में जोटा कि तुम इंग्लीश रे ग्रामर जो मैंने न करी पैसेज को पढ़ी से टाइम मैनेजमेंट कर पारना इंग्लीश और ओडिया पेपर में पेपर वन पे टाइम मैनेजमेंट कर पारि ना मुझे जोटा कहूँ सत कथा जी क्या बाधुच्छे जदि भी क्यों मैंने मार्क कम रखीच से जहाँ बाधि से कमेंट सेक्शन आसिक जहाँ मतलब गाड़ी गुरज करेंगे कितु कले कौन हम बाबन तुम्हें जो भी पढ़ु टी रेडियो एफएम रे चैनल मध्यम से ही मध्यम तुम जो पढ़ु एवं कौन कर तुम्हें तेणुक ठीक मध्यम पढ़ ठीक चैनल पढ़ ठीक पाठ पढ़ मुझे मो चेल पढ़ जो भी तुम पाठ पढ़ुच भलसे पढ़ पाठ पढ़ खाली फिलोसफी क्लास कले किसी लाभ नहीं रे बाबन सेमती बस कि जीवन सारा एग्जाम दे फिलोसफी क्लास देखु से ही चैनल तुम ग्रोथ हो पलब से ही चैनल व्यू नौ थे कि तुम चाकरी हो नु लिखिद तुमको जेकोसी तुम चैनल को बस से ही चैनल मध्यम तुम जिते भी भिडियो देखु था कि जो भी प्रिपेरेसन करुओ जदि तुमको ठीक से लगुनी तेल प्रिपेरेसन करनी फिलोसफी क्लास करनी सेम तुमको मिछर मिछर मोटेसन भिडियो देखो जाए मोटेसन कौन देखियो भाई पाठ पढ़ा टाइम पाठ पढ़ मोटेसन देखी देखिए तुम जीवन पलब सेम जीवन माटी हो जाइए चाकरी हो ना खाली मोटिवेशन वीडियो देखु तारी चैनल ले देखो फास्ट आम देखा इंग्लिश इंग्लिश एत इजी ना इंग्लिश आम देखा इजी क्वेश्चन थिला 20 रु 25 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन थिला तुम्हारा मिनिमम 10 रु 15 क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन देखा मिलता 5 रु 10 क्वेश्चन बुझीगला तेणुकर जब ओवरअल जावा आम इंग्लिश इजी रु मॉडरेट किसी क्वेश्चन हार्ड देखा मिलता ओडिया सेम आसला ओडिया ग्रामर टी थो था ट्रांसलेसन जो इडोमियन फ्रेज रे ट्रांसलेसन देता आउ टेन्स बेस रे तुम ट्रांसलेसन देखा मिल ना पे बहुत कन्फ्यूज है ऑप्शन तुमको एका भाई देखा मिलता क्वेश्चन भी भूल अच्छी इंग्लीश आ ओडिया के क्वेश्चन भूल अच्छी ग्रेस समस्त मिल समस्त को ग्रेस मिल 0.66 0.77 0.75 मार्क तुमको समस्त को मिले बुझेगा
जितना क्वेश्चन भूल अच्छी जी कर जी ऑब्जेक्शन करी था न करी था समस्त तुमको 0.75 रो मार्क मिले फास्ट कह रखुचे ओडिया इंग्लिश से जार भी भूले छे बा जीके बा मैथ भूले छे तब देखिए हमें इंग्लिश आ ओडिया रो एवरेज मार्क देखो गोटे भल पिला जे इंग्लिश जार भल हो जार इंग्लिश टा भल हो से इंग्लिश रे जहाले पैसेज न करले भी 40 रु जे पैसेज भी करी थिबो 5 10 मार्क करू कि जदि इंग्लिश ग्रामर करथिबो से जहाले 30 प्लस कर दिथिबो तने तार 40 50 पळाइ छियो 40 45 पळाइ छियो सेटा बड़ कथा ने आमे देखि आबरा सब पिला को नेकि आमे जीवा खाली गोटे भल पिला को देखि कि आमे जदि मार्क देखिबा भल पिला को नेकि आमे केबे कट ऑफ देखिबा नाही तेणु करी सब पिला करि पारथु दरकार सब पिला कर एवरेज केता आसुची सेटा को नेकि आमे जीवा देखो मु सेमिति तुमको मन गडानिया कट ऑफ कहि दउनी मोर टेलीग्राम पेज रे जाई देखो यूट्यूब चैनल रे देखो व्हाट्सएप ग्रुप रे देख सबुथे मु तुमको गोटे पोल करी कौती करी मु पोल करी पोल मध्यम पिला मान जहाँ मतामत आसी से ही हिसाब से तुमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह रखुचे है कैटेगरी वाइज कह मेल फीमेल कह कौ चैप्टर कौ सब्जेक्ट रे मोर के आवरेज स्कोर रही कह देख जो आम जब इंग्लीश देखा इंग्लीश रे आवरेज स्कोर देखा बर्तमान फास्ट आगे सेक्शन कहल कर इंग्लिश और ओडिया कोई थी क्वेश्चन तरह देखा जिके आवरेज मार्क पचर कह देख जिके जिके तुम्हारे देखा मिली 126 क्वेश्चन क्वेश्चन कहुत 100 आसो कि आई के 126 क्वेश्चन बुझीला 126 तुम आई जिके क्वेश्चन मैथ आसी कतोटी मैथ आउ रिजनिंग मैथ आ पर्सनाल मुझ गणी मैथ के रिजनिंग के मिसिकी मुझ गणी तुम्हारा पाखापाखी 50 क्वेश्चन देखा मिली मैथ रिजनिंग बुझीला कंप्यूटर में तुम क्वेश्चन आसी 24 कंप्यूटर क्वेश्चन आसी 24 बुझीला जिके आई 126 क्वेश्चन मैथ रिजनिंग आई 50 क्वेश्चन कंप्यूटर आई 24 क्वेश्चन कहीं आसा एम क्वेश्चन टे मन में भाव 2019 जो एस आई एक्जाम होता आ 2018 जो एस आई एक्जाम होता बुझ मुझे कट ऑफ देखेबी कि बैंक एक्जाम बैंक पे मैंने बहुत हेल्पफुल हो जाते कहीं बैंक पे मैंने मैथ रिजनिंग जो 80 आसी जाता क्वेश्चन से 80 रू से 80 पाखापाखी 75 प्लस टाणी कंप्यूटर 20 पाखा भी क्वेश्चन आसा से 15 प्लस कर देते जिके से विक थे जहाँ करते कट ऑफ क्लियर करते इंग्लिश ओडिया मतलब इजी आसाला किंतु यही थरक जिके को से अधिक प्रायोरिटी 126 क्वेश्चन आसी मैथ रिजनिंग इजी आसी 50 क्वेश्चन बैंक पिला कले एस एस सी पिला कले जो पिला प्रिपेरेसन करपारी कंप्यूटर इजी देखा मिली जी आम जिके देखा जिके इजी क्वेश्चन आसी 80% क्वेश्चन 20% क्वेश्चन हार्ड कहानी आम मोडरेट क्वेश्चन आसी बुझीला तापर जब जी आम मैथ रिजनिंग क्वेश्चन किसी भूल अच्छी ता सहित आम जब देखा 40 क्वेश्चन प्लस तुम देखा मिली इजी क्वेश्चन 5 रु 6 क्वेश्चन देखा आम मॉडरेट क्वेश्चन कंप्यूटर 20 पाखापाखी 15 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन तुमको देखा मिली इजी क्वेश्चन आउ 6 रु 7 क्वेश्चन तुमको मॉडरेट क्वेश्चन देखा मिली लगभग जब आम जिके मैथ रिजनिंग देखा आम इजी कह मैथ रिजनिंग कंप्यूटर जिके जब आम देखा इजी हूँ तुम 80% क्वेश्चन 20% क्वेश्चन हूँ तुम मॉडरेट आज हार्ड क्वेश्चन देखा मिले ना गोटे कि दुटा क्वेश्चन देखा मिली कि इंग्लीश ओडिया क्वेश्चन मॉडरेट रही इजी बहुत कम रही मॉडरेट क्वेश्चन देखा अधिक मिली और हार्ड क्वेश्चन किसी देखा मिली 20% क्वेश्चन तेणुकर जब आम पेपर वन कथ कह पेपर वन टी तुम डिफिकल्ट पेपर वन तुम मॉडरेट रु हार्ड देखा मिली इजी क्वेश्चन रही कि मॉडरेट रु हार्ड देखा मिली कि पेपर टू टी तुम पूरा लगभग इजी देखा मिली बुझीला एवं देखा बर्तमान आम कट आवरेज मार्क कह दूसरी आगे आवरेज मार्क 2021 कटअप के कहि पूर्व 2018-19 कटअप आनालाइज करी पोस्ट के कही रखी देख एवं बर्तमान जी जी आम एमआईएल ओडिया बुझे चेष्टा कर पाने ओडिया ग्रामर इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर जीके से बुझीला एमआईएल आउ इंग्लिश रे तुम्हारा टोटल क्वेश्चन एमआईएल बा ओडिया रे 50 क्वेश्चन इंग्लिश रे 50 क्वेश्चन यदि हमें जीवा आवरेज मार्क आवरेज गोटे पिला जब भल पिला खराब पिला को मिसेक आवरेज नवा तो एमआईएल ओडिया रे एमआईएल ओडिया रे 30 रु 35 हो गए भल पिलार आवरेज पिला नहीं जा भल पिला खराब पिला मिसेक 30 रु 35 हो बेस्ट स्कोर खराब पिला 30 ना जार एमआईएल भल हो 35 प्लस रखिपार कि 40 ता इच्छा से जब 40 रखी एमआईएल ओडिया रे इंग्लिश तरह विक से 20 रखी आम आवरेज नहीं जाऊँगी आम एमआईएल ओडिया रे 30 रु 35 इंग्लिश रे जब देखिए आम 28 रु 33 बुझीला
କାରଣ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ ଇଜି ଥିଲା 10 ମାର୍କ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଯଦି ଆମେ କହି ରଖିଲି ତାହେଲେ ଆମେ ଓଭରାଲ୍ କେତେ ଦେଖିବା, ଆମେ 58 ରୁ 67 ଭିତରେ ତେର 62 ବା 67 65 ନେଇକି ଚାଲ, 65 ଓଭରାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 58, ୟାକୁ ମିଶେଇକି ଭାବି ମାନେ 68 କହିଛି ମାନେ 68 ହେଇଗଲା ନା, 58 ରୁ 65 ହେଉଛି ତାର ଓଭରାଲ୍, 58 ରୁ 65 ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶର ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ, ଭଲ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ମିଶେଇକି ଆମେ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମ୍ୟାଥ, ମ୍ୟାଥରେ ଆଉ ରିଜନିଂ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାଦେହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 କି 3 ଗୋଟେ କି 2 କି 3 ଭୁଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର 50 ରୁ ଲଗଭଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜି ଥିଲା, ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମର୍ଡର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଲଗଭଗ ଆମେ 42 ରୁ 45 ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଭରେଜ, 42 ରୁ 45 50 ରୁ 50। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା 24ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 24ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 70 ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ପାଖାପାଖି ପିଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, 70 ରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଯିବା ଆମେ ପିଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, 16 ରୁ 20 ନେଇକି ଚାଲ, 16 ରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଭରେଜ, ଆଭରେଜ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି। ତାପରେ ଜିକେ, ଜିକେ ଆସିଥିଲା 126ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 126 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲଗଭଗ ତୁମକୁ ଇଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 90ରୁ ପିଲାମାନେ 90 ରୁ 100 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗି, ଆଭରେଜ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଲଗଭଗ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା ଆମେ 6, 2, 8, 9, 10, 14, 148ରୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 165 ଭିତରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାର୍କ। କହୁଥିଲି ତୁମର ପେପର 2ରେ, ପେପର 1ରେ ଆଭରେଜ ମାର୍କ ହେଲା ତୁମର 58 ରୁ 65, ଆଉ ପେପର 2ରେ ହେଲା 148 ରୁ 165। ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଜେନେରାଲ ତାପରେ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କଟଅଫ୍ କହି ରଖିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ଏସ୍ସିବିସି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ଆଉ ତୁମର ଏସ୍ସି କଟଅଫ୍, ଏସ୍ଟି କଟଅଫ୍, ଆଉ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଏଥର କମ୍ ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, 2019 କି 2018 ଭଳି କଟଅଫ୍ ଯିବନି, କାହିଁକି ଯିବନି ନା 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଫିମେଲରେ ବହୁତ କମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରିରେ କଟଅଫ୍ ତୁମର ବହୁତ ଭ୍ୟାରି କରିବ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ଭିତରେ, ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖିବି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଏବେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 18 ମସିହାର କଟଅଫ୍, 18 ମସିହାର କଟଅଫ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ତୁମେମାନେ 18 ମସିହାର କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। 18 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ରେ ବାପା, ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ମେଲ୍ର କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 205, ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରିର ମେଲ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଯାଇଥିଲା 205, ଏସ୍ସିବିସି ଯାଇଥିଲା 199, ଏସ୍ସି ଯାଇଥିଲା 175, ଏସ୍ଟି ଯାଇଥିଲା 131, ସେଭଳିଆ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 194, ଓବିସି ଆଉ ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 186, ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 184, ଓବିସି ନଥିଲା, ଏସ୍ସିବିସି, ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 137। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଫିଜିକାଲ ପରେ ଫାଇନାଲ କଟଅଫ୍ ଗଲା, ଫାଇନାଲ କଟଅଫ୍ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା କଟଅଫ୍, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗଲା 225, ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କର ଗଲା 221, ତାପରେ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଗଲା 209, ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ଗଲା 154, ସେଭଳିଆ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଗଲା 188, ଏସ୍ସିବିସି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଗଲା 186, ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଗଲା 148, ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ଙ୍କର ଗଲା 139 କଟଅଫ୍। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟଅଫ୍ କହିବି ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଫାଇନାଲ କଟଅଫ୍ କହିବିନି, ଫାଇନାଲ କଟଅଫ୍ ଯଦି ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମନେକର 5 ମାର୍କ କି 10 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିବେ କି ବଢ଼େଇକି କହିବେ, ଦେଖ ଯେଉଁ 5-10 ମାର୍କ ପିଲା ସେମାନେ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ମନୋବଳ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବି କୌଣସି ଟିଚର ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟଅଫ୍ ସହିତ କେବେ ବି ଫିଜିକାଲ କଟଅଫ୍ ପରେ ଫାଇନାଲ କଟଅଫ୍ର ମାର୍କ କେବେ ବି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମନ ତାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଗକୁ ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ତାର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। 2019ର କଟଅଫ୍, 2019ର କଟଅଫ୍ ଦେଖ, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 2019, କାହିଁକି ଅଧିକା କଟଅଫ୍ ଗଲା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପିଲା ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ତୁମର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପରିମାଣର କିଛି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତୁମର କଟଅଫ୍ ଅଧିକା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବିନି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଅଧିକା ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ତୁମର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ରେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 225, ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 215, ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 178, ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 138 ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ରେ ଯାଇଥିଲା 168, ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 160, ଆଉ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 129, ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 103। ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ଫିଜିକାଲ ପରେ ଫାଇନାଲ କଟଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା 2019 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 100, 283, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଅତି ଭଲ ପିଲା ଆଉ ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ଯିଏକି ଯାଇଛନ୍ତି 283 ମାର୍କ ରଖିକି, ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି 279, ସେମାନେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି 278 ରଖିଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଟି ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ 152 ରଖିଥିଲେ,
ओमेन मानकर कैटेगोरी रे कट ऑफ जाईथिला 219 एससीबीसी मानकर जाईथिला 170 एससी मानकर जाईथिला 131 एसटी मानकर जाईथिला 111 बुझियला एबे देखिबा हमें 2021 मसेर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल पे देखो फाइनल कट ऑफ केबे भी मु कहबिनी ई कोनोसी टीचर कहबा कथा नहु कहीं ना जाच तुम्हें मैंने फिजिकल कटअप सहित जब फाइनाल कटअप कहगला तो कौन से पिला फिजिकल प्रिपेरेशन करेंगे ना यहाँ गोटे निजी गोटे खराब लगे मत जो मैंने टीचर भी कहते हैं निजी मूर्खामी भावतु यहाँ के कहवा कथ नुहे पाला मनोबल भांगी जीव यह सहित तुमको मुझे रखुची एक्सपेक्टेड कटअप केवल फिजिकल टेस्ट पर समय मैंने फिजिकल प्रिपेरेसन कर फिजिकाल बहुत पिला कटे ये मन रखी थोड़े ओडिशा पुलिस एसआई 2021 मसीह एक्सपेक्टेड कटअप फॉर फिजिकल टेस्ट ओके एबे जीबा हमें कटअप को फर्स्ट मु कैटेगरी वाइज कटअप कर रखी फर्स्ट मु नेबी तुमको मेल ये तुम रहला फीमेल ये रहा तुम यूआर कैटेगरी तापर देखिया में एसीबीसी कैटेगरी तापर देखिया में एससी कैटेगरी तापर देखिया में एसटी कैटेगरी जी कटअप कह तार भितर पिला माने बा ताठर अधिक मार्क किंबा ताठर दुई मार्क तीन मार्क कम थाउ किंबा तीन मार्क दुई मार्क अधिक थाउ तुम माने फिजिकल पे प्रिपेरेशन करिवो हला आउ थरे मूळ रु कह रखुची पिला माने मनर क्वेश्चन आसुतबो सर कोन एती कटअप जीव आमे माने जो माने कम मार्क रखिचू कि दुई तीन मार्क कम रखिचू आमे फिजिकल प्रिपेरेशन करिवो कि ना देखो आउ गोटे कथा मन रख निज निजर मार्क मत कमेंट सेक्शन में जनई दियो निज निज मार्क कमेंट सेक्शन में जनइले मु तुमको सिंबल दे देबी सिंबल देखि तुम जानि परिबो तुमर क्वालिफाई करिवो कि ना आउ गोटे कथा मन रख कई मन दुख कर बुझेगा कहीं भी मन दुख करना कटअप कह बर्तमान मुझे तुमको कह रखुची देख बारंबार कह रखुची तुमको आज तुम प्लस दुई मार्क कि माइनस दुई मार्क हो पाए आज दुई मार्क अधिक कटअप जापे कि दुई रु तीन मार्क कम कटअप जापे बुझेगा तेणुक के भी मन दुख करनी जी कटअप कर रखुच्छी तुम्हें प्रिपेरेसन कर जब भी यही मार्क ठार् दुई मार्क कि तीन मार्क कम अच्छी कि चार मार्क कम अच्छी पांच मार्क मानी चल तीन चार मार्क जब कम अच्छी पांच मार्क कम अच्छी तीन चार मार्क अधिक अच्छी अधिका थी तो भल कथ जदि भी कम अच्छी तथा तुम्हें मैंने फिजिकाल प्रिपेरेसन कर युआर कटअप कर रखुच्छी 212 कटअप जीव तुम 220 भितर बुझीगला एससीबीसी मानकर कटअप 202 210 भितर एससी मानकर कटअप 182 190 भितर कटअप जीव एसटी मानकर कटअप 138 146 भितर कटअप देखा मिले हला मेल मानकर कहिबे फीमेल मानकर कटअप जदि जीवा वोमेन मानकर जनरल कैटेगरी कटअप जीव 182 190 भितर कटअप जीव एससीबीसी वोमेन मानकर कटअप 174 182 भितर कटअप देखा मिले एससी मानकर कटअप 138 146 भितर कटअप देखा मिले एसटी मानकर कटअप तुम 98 106 भितर कटअप देखा मिले बुझीगला यह तुम एक्सपेक्टेड कटअप आठारु जदि भी तीन चार मार्क कटअप कम गला तुम मन सुवर्ण सुजोग बुझीगला मुझे आशा करुच्ची आठारु कटअप कम जाऊ किंतु मत लगुच एक्सपेक्टेड कटअप एति रही पारे मुझे ठाकुर को डाकुच भगवान को डाकुच आठ रु मिनिमम 4-5 मार्क कि 6 मार्क कटअप कम जाऊ जोटा कि पिला हेल्प हो आठ रु जिते भी कम कटअप जीव तुम मन भल हम कि मत लगुच कटअप कितु जो मैंने कम रखीच मन दुख कर नाई ताठर जो मैंने 7-8 मार्क कि 10 मार्क भी कम रखीच मुझे आउ थे कही रखुच्छी जो मैंने 8-10 मार्क भी कम रखीच से मैंने फिजिकाल प्रिपेरेसन कर चल फिजिकाल के हेला दिवन ओडिशा पुलिस एसआई तुम्हें देच कि फायरमैन भी देच जो थे भी तुम कम को दब आगे भी तुम आसूँ ओबीसी एक्जाम आसा फरेस्टर आसा फरेस्ट गार्ड आसूँ गोटे कथ कही रखुच्छी तुम्हें पे तुम्हें ठीक भाव में पढ़ुना जे ठीक भाव में पढ़ी था क्वेश्चन भी तुम जी मैथ सरी आम ओडिया और इंग्लीश जब हार्ड आसगला तुम्हें जिके मैथ रिजनिंग कंप्यूटर कौन मार्क कम रख जिके तो बहुत इजी आसाला जो भाई मुझे जिके दे थर्टी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता सहित तुम 70 पाखापाखि क्वेश्चन तुम जिके कंप्यूटर रु तुम पाखापाखि लगभग मोरी भिडियो क्लास रु ही आसी प्राक्ट सेट जो 5 डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आम करूँ कौन तेल
ତମେ ତୁମେ ନେଇନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍, ତମେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନା, ତୁମେ ଦେଖିନା, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ନେଉନା, ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ୁନା, ତାହେଲେ ତୁମେ ହଇରାଣ ହବନି କି ହବ? ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଏଫ୍ଏମ୍ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛ ଫିଲୋସଫି, ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ମାନେ ଗପ ଶୁଣୁଛ ଅଧିକା। ସେମାନେ ଗପୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ମାନେ ମାନେ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ମାନେ ସେମାନେ ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି। ପାଠ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା, ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛନ୍ତି ଅଧିକା, ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଦେଖି ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯିବନି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତମ ପଡ଼ିବ, ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲୋସଫି ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଲି, ଆମେ ମାନେ ଏମିତି କଲୁ ସେମିତି କଲୁ, ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଆ କର, ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 15 ଦିନ, ତମେ ଏମାନେ କର, ଏଇଆ କର, ସେଇଆ କର, ଇଏ କର, କରିକି ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ କେବଳ ପଢ଼, ଫିଲୋସଫି କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ତମେ ଏଇ ଫିଲୋସଫି ଦେଖୁଥିବ, ଜୀବନ ସାରା ଫିଲୋସଫି ଦେଖୁଥିବ, ଚାକିରି ହେବନି, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ମୋ କଥା ମାନ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ପଇରଖିଲି, ଆଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି 8 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି କମ୍ ରଖିଛ ବି, ତଥାପି ତମେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେମିତି ତୁମର 8ରୁ ଆହୁରି 10 ମାର୍କ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉ, ବହୁତ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା? ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସହିତ କହି ରଖୁଛି, ନିଜ ନିଜ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ନିଜର କାଟାଗୋରି, ମନେକର ୟୁଆର କାଟାଗୋରି ବିଲଂସ କରିଛ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଲେଖିବ, ତା ସହିତ ତୁମର ମାର୍କ ମୋତେ କହି ରଖିବ, ବୁଝିହେଲା? ଆ ପରେ ତୁମର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି OSSE, OSSE ପାଇଁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, OSSSR ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ LI ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ତୁମର OFDC ଆଉ OMC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କେବେ ପାଣି ପାଇବନି, କ୍ଷୀର ଦେହରେ କ୍ଷୀର ହିଁ ପାଇବ, କ୍ଷୀର ଦେହରେ ପାଣି ମିଶିବ ନାହିଁ। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିଲ, କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲ, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା, ପାଣି ପାଣି ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ମୋ କଥା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଖରାପ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେଇମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ କରିକି ଯିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ଅଧିକ ପିଲା ଦେଖିପାରିବେ କଟକଟିକୁ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼, ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ପାଠ ପଢ଼, ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛ କି ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ୁଛ, ବହିଖଣ୍ଡ ଧରିକି ପଢ଼ୁଛ କି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବି ତୁମକୁ ଯଦି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼।